जय श्री राम दोस्तों। तो आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है राइड, क्योंकि ये इस साल की आखिरी राइड होगी 2023 की, क्योंकि स्टार्टिंग भी हमने एक राइड से करी थी तो एंड भी एक राइड से ही करेंगे। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो उसके बारे में आपको बताएंगे नहीं, हम दिखाएंगे बाद में। और हमारी साइकिल भी तैयार है, चार भाई भी तैयार हैं, चलो फिर चलें। हजार भाई ये गली सुनसान सी क्यों लग रही भाई? यहाँ पे वो लोग नहीं है ना भैया, सौ का लगा लो, सौ का। अच्छा वही है ना, ये गली सौ का दो, सौ का दो। देख लो भाई सुबह सुबह कैसी रहती है गली, अब नहीं मिला ना कभी वो तो लग जाता कैसी भी होती है यहाँ पे शाम को। तगड़ा, तभी बोलते हैं कि स्पीड में मत चलाया करें, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट है, पूरी पलट गई है, वरना बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है बहुत तगड़ी वाली, और वृंदावन ट्रिप के बाद हमने साइकिलिंग करी ही नहीं, लगभग एक महीना हो गया उसके बाद कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा दम ज़्यादा लगाना पड़ रहा है यार, बहुत ज़्यादा। देखो चढ़ाई शुरू होगी खड़ी वाली। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई कम्युनिटी वाली राइड चल रही है, मतलब कोई एक क्लब या ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स को देख लिया मैंने, अभी आगे आपको दिख जाएंगे। टर्न होने के बाद एक बंदा ये भी है, थक गया बेचारा, कुछ बंदे वो भी हैं आगे। यहाँ पे सबको पर्ची कटानी पड़ती है, वैसे पर्ची कटानी पड़ती है मसूरी आने के लिए, लेकिन हमें कौन सी पर्ची कटानी है, हम तो वीआईपी लोग हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी ऊपर आ गए हैं बस मसूरी, 15 से 16 किलोमीटर बचा है यहाँ से, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यार, यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है, तो चेकआउट करो व्यू। तो भाई आप ले लिया हमने ब्रेक, सही बता वैसे महीने भर साइकिल चलाने के बाद थोड़ी हालत ख़राब तो होती है, और वैसे भी हम लोग चढ़ाई में आ रखे, चढ़ाई में तो हालत ख़राब हो ही रही है। ये बोल रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं बोल रहा है, आप समझ ही गए होंगे हालत थोड़ी ख़राब हो रही है। भी ले रखा थोड़ी देर का ब्रेक, अब ब्रेक हो गया ख़त्म, अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। क्या व्यू है यार, सारी थकान दूर हो गई, सारी की सारी थकान दूर हो गई इसको देखते थे। तो भाई अभी रुक रखे हम, और यहाँ व्यू देखो यार कितना प्यारा है, इस व्यू की वजह से हमें रुकना पड़ गया यहाँ पे, इतने प्यारा लग रहा था, आपको भी दिखाता हूँ मैं। भाई तो ये खड़ी हमारी साइकिल है, और ये हम दोनों हैं, और ये रहा व्यू। पता नहीं है करना क्या है, बस यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, भीड़ हो रही है सिर्फ, या सारी क्या क्या है, बस भीड़ ही भीड़ है यार, बस भीड़ ही भीड़, मत पता नहीं चल रहा कहाँ जाए, कौन सी घूमने की जगह है, तो बस यहीं रुक गए थोड़ा सा,
आगे बस आएंगे, घर जाएंगे, यही कुछ खाते पीते और वापिस चलते हैं। यही हमारा एक स्पॉट था आज की राइड का, चलते हैं थोड़ी देर में वापिस। पर सही बताओ यार, महीने बाद साइकिलिंग करो तो हालत तो ख़राब हो जाती है। हो गई भाई हालत, सही बताओ हालत तो ख़राब होगी भाई। बाकी कुछ नहीं है यार, यहाँ ऐसी लावारिसों की तरह घूम रहे, कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है। लावारिसों की तरह घूम रहे, पता ही नहीं कुछ क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। मसूरी पहुँच गए बस, अब घर चल रहे हैं हम तो। मैं कुछ नहीं, हमारे घर में बढ़िया सब भाई। ना यहाँ धूप आ रही है, ना यहाँ घूमने का है कुछ, क्या फ़ायदा है मसूरी में आके, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। दो तीन दिन तो बिल्कुल सोचना भी मत, दो तीन दिन क्या पता नहीं लोग कैसे आते हैं यार दो तीन दिन के लिए, वो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। बस ये जो दिख रहा है पीछे, बस यही सब देख रहे हैं हम यहाँ खड़े हो गए। ये उत्तराखंड के लोगों के लिए थोड़ी है मसूरी, उत्तराखंड वालों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए, ये बाहर वालों के लिए जो पहाड़ देख के खुश नहीं हो जाते, वाओ माउंटेन्स कहते हैं माउंटेन्स, वो उनके लिए भाई है, वही लोग आए हैं। प्लीज चल चल, हाँ करने का भी अलग ही मज़ा है, लेकिन इस मज़े को उठाने के लिए आपको पहले ऊपर चढ़ानी पड़ेगी साइकिल, मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करने के बाद जब हम लोग नीचे आते हैं ना, इतना मज़ा आता है ना भाई, मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है भाई, चाहे साइकिल को अब फिर ले जाने के लिए, चाहे ज़िंदगी में। चलो भाई मंदिर में चलें, थोड़ा दर्शन वर्शन करके आते हैं। तो गाइस ये जो मंदिर है, इस मंदिर में पैसे चढ़ाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पैसे आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते यहाँ पे। और प्रसाद के रूप में आपको चाय मिलती है, जैसे तुषार पी रहा है, कैसी लग रही चाय? बस भाई फ्री की चीज बढ़िया लगती है। भाई कितना ट्रैफिक है यार, जहाँ भी पूरा जाम है भयंकर, पीछे ही पूरा जाम था, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। सुबह तो इतना प्यारा लग रहा था यार, रोड खाली पूरा भर चुका है। सो गाइस 2023 की हमारी आखिरी राइड होती है ख़त्म इसी के साथ। और मुझे पता है यार, आप लोगों ने आपके प्यारे से होस्ट को इस ब्लॉग में ज़रूर मिस किया होगा, हमने ही बहुत मिस किया उसको। किसे? अरे उसे ही। कौन है भाई? अरे ठीक है, पता है भाई।